कोरोना महामारी से बचने के लिए किए गए लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए अलग अलग विभागों के कर्मचारी व अधिकारी दिन रात ड्यूटी दे रहे हैं। ऐसे में जनता की आवाजाही को रोकने के लिए पुलिस पर सबसे अधिक जिम्मेदारी आई हुई है। इस जिम्मेदारी को पुलिस दिन रात नाके लगाकर बखूबी निभा रही है। ऐसे में पुलिस कर्मचारी व अधिकारी का मनोबल बढ़ाने की नीयत से इंद्री के विधायक राम कुमार कश्यप ने इंद्री क्षेत्र में लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए लगे पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को फूल व प्रशंसित पत्र देकर सम्मानित किया। इंद्री के विधायक राम कुमार कश्यप ने गांव लबकरी में नाका लगाकर ड्यूटी दे रहे पुलिस कर्मचारियों के पास पहुंचे। इस दौरान इंद्री पुलिस थाना प्रभारी सतपाल सिंह दलबल के साथ नाके पर मौजूद थे और हर आने जाने वाले की जांच कर रहे थे। विधायक राम कुमार कश्यप ने पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों की सराहना करते हुए उन्हें फूल व प्रशंसित पत्र देकर सम्मानित किया। विधायक ने कहा कि पुलिस अधिकारी व कर्मचारी अपने परिवार को छोड़कर 24 घंटे कोरोना महामारी से जनता को बचाने के लिए कोरोना योद्धा के रूप में काम कर रहे हैं। ऐसे में इन पुलिस कर्मचारियों का उत्साहवर्धन करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इनके उत्साहवर्धन से उनमें काम करने का जज्बा और कर्मठता बढ़ेगी। इसी सोच को लेकर आज इंद्री हलके में कार्यरत पुलिस कर्मचारियों व अधिकारियों को सम्मानित किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि संकट की इस घड़ी में अपनी सेवाएं देने वाले मीडिया कर्मचारी व अन्य लोगों का उत्साहवर्धन किया जाना जरूरी है, क्योंकि यह संकट की घड़ी में अपनी जान जोखिम में डालकर जनता की सेवा में लगे हुए हैं। देखिएगा, ये जो कोरोना की महामारी है, ये सारे विश्व में, हिंदुस्तान, सारे भारत में, प्रदेश में इसने भयंकर रूप धारण किया हुआ है। तो उसी कड़ी में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 21 दिन का जो लॉकडाउन अपने सारे देश में किया हुआ है, सारे प्रदेशों में किया हुआ है, तो उसी को देखते हुए जैसे अब लॉकडाउन हुआ है, तो सभी जो है कर्मी जो है, काम करने वाले मजदूर है, किसान अपने घरों में हैं। तो इस कड़ी में देखिएगा, जो पुलिस कर्मी हैं, देखिए धूप ना देखते हुए कुछ और ना देख अपने घर बार छोड़ करके ये हमारी सेवाओं में नाके पे यहाँ खड़े हैं, रात दिन अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये एक हमारी ड्यूटी बन जाती है। मैं अपनी सरकार की तरफ से, अपनी ओर से इन सभी पुलिस कर्मियों को आज सम्मानित करने के लिए यहाँ पहुँचा हूँ। इनको सर्टिफिकेट, इनको जो है कोरोना का योद्धा का इनको वो तकमा दिया गया है। इन सभी को धन्यवाद करने के लिए मैं यहाँ पहुँचा हूँ। सभी को फूल दे करके और सर्टिफिकेट देकर इनको सम्मानित किया गया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इनकी जब ये सेवा ऐसे प्रकार से कर रहे हैं, तो ये इस प्रकार से सेवा अपनी करते रहे। तो एक ये उसका एक चिन्ह है, मतलब खुशी का मान लीजिएगा, एक सम्मानित है। मतलब हम और कुछ तो नहीं कर पाए, अगर फूल दे के ही सम्मानित कर रहे, एक बहुत बड़ी बात मैं मानता हूँ इस बात से। ठीक है ना, ठीक है। मेरा ये संदेश रहेगा, जैसे अभी 21 दिन का है, अभी ये 2 दिन में 21 दिन का लॉकडाउन ख़त्म होने जा रहा है। हो सकता है ये आगे भी, मान लीजिए ये तो देखो प्रधानमंत्री ने देखना, सरकार ने देखना, आगे भी बढ़ सकता है। तो अगर आगे बढ़ सकता है, इसकी हमने पूरी तैयारी रखनी है। और मैं जनता से, सभी से निवेदन करना चाहूँगा, जैसे सरकारों की तरफ से दिशा निर्देश दिए गए हैं, उनके पालना करते रहें और लॉकडाउन का पालन करते अपने घरों में रहें। और जो जहाँ जहाँ भी थोड़ा बहुत गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट करती है, जैसे किसानों को एग्जेम्प्शन देगी, उनका खेत, जैसे उनकी अब गेहूँ आने वाली है, वो अपना काम करेंगे, तो वो डिस्टेंस में रह करके, गैदरिंग न करके अपना काम भी करते रहेंगे और इसका लॉकडाउन का दिशा निर्देशों का पालन करते रहेंगे। देखियो, जब से लॉकडाउन लगे हुआ पूरे देश प्रदेश में, पुलिस 24 घंटे ड्यूटी कर रही है, पूरी मुस्तैद है। सारे शहर इंद्री को चारों तरफ से नाकाबंदी की हुई है और हमारी PCR और SHO की गाड़ी 24 घंटे गश्त करती है। और जब ऐसे मौके पर हमारे विधायक जी ने आके हमारा उत्साह बढ़ाया, तो इससे पुलिस जवानों के हौसला और भी बढ़ा, ड्यूटी करने में और हौसला उपजाई हुई है। और ऐसा करना चाहिए, ये बहुत अच्छा लगा सरकार की तरफ से और विधायक जी की तरफ से। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पूरी इंद्री हल्के की जनता को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि हम 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर तैयार हैं, बिल्कुल 24 घंटे आपकी सेवा में लगे हैं। और आपसे भी विनती है कि आप लोग भी इसकी पालना करें और घर में रहें, इसी उल्लंघना ना करें। भाई विधायक जी ने हमारे को हमारा हौसला बढ़ाई करी है और इसको हमारा हौसला भी बढ़ता है। समय महसूस कर रहे हैं जी, सरकार हमारे साथ आकर हमारे अच्छा बुरे में मदद करती है और हमारा हौसला बढ़ाई करती है। अपनी ड्यूटी के लिए हमें और मतलब गाइडेंस मिली है कि हमें आना चाहिए। बस यही है कि हमें अपनी ड्यूटी को पूरे अच्छी ईमानदारी से निभाना चाहिए और मतलब जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग सबको अपने घर पे रहना चाहिए और मतलब जो सरकार है उसकी बात को मानना चाहिए।